गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने देश एवं प्रदेश वासियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं महिला दिवस के मौके पर नरोत्तम मिश्रा ने महिला सिपाही मीनाक्षी वर्मा को गृह मंत्री कुर्सी पर बैठाकर सम्मान दिया और उनसे जन समस्या का निराकरण कराया। महिला दिवस के मौके पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने महिला सिपाही मीनाक्षी वर्मा को खुद की कुर्सी पर बैठाया और सम्मान दिया। इस दौरान गेस्ट होम मिनिस्टर बनकर महिला आरक्षक मीनाक्षी वर्मा ने आमजन की समस्याएं सुनी और समस्याओं के निराकरण करने के दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये भारत ही है जहां नारी को पूजा जाता है, हमें शक्ति चाहिए तो माँ दुर्गा के पास जाते हैं। वहीं महिला दिवस के मौके पर इस तरह से सम्मान पाकर मीनाक्षी वर्मा काफी खुश नजर आई। आज हमारी बिटिया मीनाक्षी गृह मंत्री के रूप में है आपके सामने। सुबह की जो मेरी समस्याओं का लगता है समाधान, वो उसने बहुत गंभीरता से सुनी भी और निराकरण के निर्देश भी दिए। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और ये भारत ही है जहां नारी को पूजा जाता है। माँ महात्मा और परमात्मा, इनका महत्व भारत की संस्कृति में प्रारंभ से रहा है, इसलिए हम भारत को माता कहते हैं। हमें ताकत चाहिए तो दुर्गा जी के पास जाएं, विद्या चाहिए सरस्वती माँ के पास जाएं, लक्ष्मी पैसा चाहिए लक्ष्मी माँ के पास जाएं। विश्व के अंदर भारत एकमात्र ऐसा देश है जो जिसे माता कहते हैं, भारत माता। आपने कभी सुना कि पाकिस्तान को फादर कहा, चीन को डैडी कहा, होलुलुलु को फादर कहा, कभी सुना ही नहीं होगा आपने। ये सिर्फ भारत ही है जहाँ नारी की पूजा होती है। कहावते यस्य नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी का सम्मान जहाँ है, संस्कृति का उत्थान वहाँ है। और इसलिए आज मातृशक्ति के रूप में, नारी शक्ति के रूप में, मैंने अपने दिन की शुरुआत बिटिया मीनाक्षी को यह स्थान देके एक संकेत देने की कोशिश की है कि आप अपार शक्ति की भंडार हैं, आप अबला नहीं सबला हैं, और इसलिए आगे आओ और हम सब मिलके समाज के उत्थान में अपना संपूर्ण और बराबरी का योगदान दें। और बाकी दिनों में माननीय मंत्री जी, मैं काफी लंबे समय से ड्यूटी कर रही हूँ, हमारे माननीय मंत्री जी बहुत अच्छे से मतलब ट्रीट करते हैं हम लोग को। मैंने मतलब महिलाओं की समस्याएं सुनी, उनके निराकरण के लिए भी बोला। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।